इंसान को ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी किसी से अपना रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। वो कहते हैं ना, सफ़र पर निकलने से ही बनती हैं यादें, और ये यादें ही हैं जो उम्र भर आपके साथ चलती हैं। लगता है भरत भाई की बाइक में ब्रेक ऑयल खत्म हो गया, या पता नहीं क्या। देखो इतनी भयंकर कील लगी है। हिमाचल में मिली नई, जो मैंने कभी सुनी नहीं पहले। क्या बोलते हैं? कोलम। कोलम जस्ट मेरे सामने आप देख रहे हैं, पीछे ये है चाइना बॉर्डर, मात्र 70 किलोमीटर है बस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक और नई दिन, एक और नई शुरुआत, एक नई सुबह के साथ। तो जस्ट अभी यहाँ से निकलते हैं, नारकंडा से निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो फटाफट बिना देर करें निकलते हैं यहाँ से और चेकआउट करते हैं, और मिलता हूँ सीधा आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। इसी आज की नई सुबह के साथ में शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की एक एक्साइटिंग वे में। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। फाइनली निकल चुके हैं हम आप लोग अपनी मंजिल की ओर, और वो मंजिल क्या है वो तो पहुंच कर ही पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस की हैं। तो अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, दिखाते हैं आपको पावरफुल स्पीति के नज़ारे। बने रहिए मेरे साथ में। अभी चल रहा है भरत भाई का वेट, पीछे हैं इधर हमारे जगत भाई, आगे हैं राजीव भाई, बीच में हूँ मैं। भरत भाई का वेट हो रहा है, इधर से आना है, रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि इधर की साइड भी एक रास्ता जा रहा है, उधर ना जाके इधर की साइड निकलना है। इसी बात पे हमें एक गाना याद आ गया। आ गए आ गए आ गए भरत भाई आ गए। गाने सुनाएंगे सुनाएंगे, पहले भरत भाई को आने देते हैं। चलो चलो चलो, मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। गैया मेरी गैया, प्यारी प्यारी गैया। भयंकर वाला तूफान जो है वो भी बाकी है, उसमें आएगा असली मजा, और उस तूफान की तरफ हम बढ़े चल रहे हैं। कहाँ? इन वादियों के बीच। अरे गड्ढे। सो यहाँ से वहाँ तक आप पूरा देख सकते हैं, माहौल एक नंबर हो रखा बॉस। और भयंकर कर्व्स है ना, जिसको लीन ना भी आती हो ना बाइक क्लीन करनी, वो भी यहाँ के लीन करना सीख जाए। देख रहे हो आगे? अभी देखना भरत भाई को देखना। ये तो चलो हल्का है, स्पीड कम है अभी, वरना भाई साहब ऐसे ऐसे लीन मज़ा आ गया एकदम। एकदम बाइक इधर, एकदम बाइक उधर। ये देखो बिल्कुल लीन। ये देखो, एक सेकंड में लेफ्ट, एक सेकंड में राइट लीन। मस्त रोड है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, वरना बाइक स्किड कब हो जाए पता भी नहीं लगता। खैर अभी जहाँ तक है शायद एक घंटे का सफ़र है, उसके बाद किन्नौर गेट आएगा, द फेमस किन्नौर गेट। वो क्या है कैसा दिखता है वहीं जाकर बताता हूँ। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी भी। देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे पहाड़ों के नज़ारे, और नीचे दिख रही है आपको नदी, नदी का नाम है सेतु नदी। सेतु नदी के जस्ट पैरेलल हम लोग चल रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर हम कहीं ग्राउंड पे उतरे और ये नदी हमारे साथ साथ कहीं हुई तो क्लियर आपको एकदम शॉट दिखाता हूँ, क्लियर वे दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप का नज़ारा है। समझ गए, इधर पहाड़ बीच में नदी, और जस्ट बराबर में रोड जिस पर हम लोग चल रहे हैं। नज़ारा एक नंबर मैन, एक नंबर। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो पहाड़ों में यार मज़ा आता है। रामपुर रह गया यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर, तो फटाफट रामपुर को क्रॉस करते हैं। आई थिंक जौहरी भी आएगा बीच में, पता नहीं शायद वो रामपुर से पहले है रामपुर के बाद है, वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल केस है, जाकर पता लगेगा। सो वहाँ से नज़ारा क्लियर नहीं था, यहाँ से पूरा नज़ारा देखो, सेतु नदी, वाह क्या अल्टीमेट लग रही है। बहाव ज़्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल है, मस्त एकदम बढ़िया। बाकी जगत भाई पीछे रह गए हैं, और भरत भाई और राजीव भाई निकल गए हैं आगे। फटाफट निकलते हैं, जस्ट आ जाएं एक बार जगत भाई, फिर चलते हैं आगे की ओर।
हैं अजीबो गरीब पहाड़, टूटे टूटे। इधर की साइड पूरा खुला और इधर की साइड इस टाइप के पहाड़। हिमाचल में जाम नहीं लगता, ये देखो जाम ही जाम है, जाम ही जाम है, छलकाए जा जाम है, लेकिन ये वो वाला नहीं, दूसरे वाला जाम है। जाम कितना लंबा है, सोचो अगर कार से होते तो यहाँ क्या हाल होता हमारा। जैसे ये लोग खड़े हैं ऐसे हम लोग खड़े होते। तो शुक्र है कि हमारे पास में हमारी ऑप्टिमस प्राइम है, धन्नो है। तो देखते जाओ, अभी मैं बातें भी कर रहा हूँ तो भी देखो जाम ख़त्म नहीं हुआ है और ये पता नहीं कहाँ तक है। तो ज़्यादा ना दिखा के आपको बोर नहीं करूँगा, इसको जाम को क्लियर करते हैं, देन मिलते हैं आगे की ओर। लगता है भरत भाई की बाइक में ब्रेक ऑयल ख़त्म हो गया या पता नहीं कम है, कुछ इशू इन्हें फेस करना पड़ रहा है ब्रेक से रिलेटेड, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है बाइक का। तो देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं मिलता, फिर बताते हैं। जगत बाइक, और मेरी बाइक खड़ी है यहाँ, कुछ इशू हुआ है राजीव भाई की बाइक में, देखते हैं क्या भसड़ है। ये देखो कितनी भयंकर कील लगी है, ये देखो यहाँ पंचर लगाएंगे बैठ के। ये मैं है माँ, अब पंचर लगाना पड़ेगा, कितनी लंबी कील लगी है। क्या तेरी बुआ है? ये सबूत है, ये संपत्ति, ये सबूत है, ये सबूत आगे छांव में रुक रहा हूं, ये सबूत है। इतनी कील अंदर गई है भाई साहब, बवाल हो गया तकड़े वाला। इतनी तो किसी में चली जाए तो वो तो चीखे मारेगा, चीखे। तो फटाफट देखते हैं छाए किधर है, छांव में लगा के भाई, उसके बाद पंचर लगाते हैं। पंचर किट वगैरह, इन्सुलेटर वगैरह सब है, सब है हम पे। और आज के दिन का ये दूसरा पंचर है, जब हम होटल से निकल के चैन ल्यूब कर रहे थे, फर्स्ट पंचर भरत भाई की बाइक में ऑन द स्पॉट ही हो गया था। अभी ये सेकंड पंचर राजीव भाई की बाइक में, अब इसको भी लगवाते हैं, लगवाते हैं या खुद ही लगाते हैं। और उनकी बाइक का जो ब्रेक ऑयल था, वो ब्रेक ऑयल भी मिल चुका है, वो आगे कहीं लगेगा या फिर अब यहीं रुके हैं तो यहीं उनकी ब्रेक ऑयल जो है वो भी टॉप अप कर देंगे। ये होता है ऊपर वाले का सपोर्ट, वहाँ सामने पंचर हुआ और यहाँ पर पंचर शॉप हमें मिल गई है, तो अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भैया खुद लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे। तो हिमाचल में मिली नई, जो मैंने कभी सुनी नहीं पहले, क्या बोलते हैं कोलम, कोलम थोड़ा खट्टा टाइप का टेस्ट है, पर जो भी वर्ष लगाया भाई स्वाद सही, हमारा खट्टा मीठा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। ये पूरा जो पूरा हरा होगा ना, ये इसको खाओ मसाले के साथ, हरा तो हो रहा, हरा बहुत अच्छा होता है, मस्त है। ये भी मसाला है, ये भी मसाले के साथ खाने में अच्छा लगता है, लग रहा जो भी है। तो पंचर लग चुका है, राजीव भाई वो निकल गए आगे और हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे। चलो शॉर्ट में काम हो गया, वरना हमें तो लगा था कि भाई हमें खुद पंचर लगाना पड़ेगा, तो आधा से पौने घंटा लग ही जाना है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता फिर। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जिस पास में हमें पंचर की दुकान मिल गई और 5 से 10 मिनट के अंदर में हमारा सारा काम खत्म हो गया, फाइनली हम दोबारा से रोड पर आ गए। तो अपनी राइड को दोबारा करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं सीधा किन्नौर गेट की ओर, जो कि ज़्यादा नहीं है, यहाँ से मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर ही है बस। फटाफट चलते हैं बिना देर करे। पहाड़ों में पानी की सप्लाई देख लीजिए कैसे होती है, वो सामने पाइप दिख रहा है, नीचे देखो कैसे पानी की सप्लाई ऊपर से लेके नीचे तक लेके कैसे नीचे लेके जा रहे हैं। और नीचे बेसिकली पूरी खाई टाइप का है, वैली टाइप है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और बीच में है। और आई थिंक हमें इधर से घूम के पूरा वहाँ से जाके हमें उधर की साइड ही जाना है। फटाफट चलते हैं क्योंकि अपने बाकी सारे राइडर्स निकल चुके हैं। पहाड़ काट के, पहाड़ का डिज़ाइन देखो यार, एकदम अलग ही है। फाइनली देवभूमि किन्नौर जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है, यह है किन्नौर द्वार, यहीं बेसिकली अपन को आना था और काफ़ी एक्साइटिंग है। फाइनली किन्नौर में हम एंटर कर चुके हैं, किन्नौर गेट भी आने वाला है, 1-2 किलोमीटर ही होगा, बस पहुंचते के साथ ही दिखाते हैं। टाइम हो रहा है अभी 11:47, यानी कि 11:45 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले हैं। सो किन्नौर गेट पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन वगैरह कराएंगे, देन निकलते हैं फिर। वाटरफॉल, पहाड़ों से गिरता पानी, किन्नौर के फर्स्ट एंट्री गेट पर ही हमारी हुई है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, जस्ट ये पर चेक पोस्ट है,
अगर जैसे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आप ऐड होंगे, मतलब एंटर होंगे, उसी टाइम पे आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जस्ट लाइक योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर बाइक नंबर, योर एड्रेस विद पिन कोड एंड सम काइंड ऑफ अल्टरनेट नंबर यू हैव। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर है हमारी सारी की सारी बाइकें, और इस कार में जितने भी भैया बैठे हैं सब बारी बारी से हमारी बाइक पर फ़ोटो खिंचा कर गए हैं। सो जस्ट अभी मैंने और राजीव भाई ने लिख दिया है, जगत भाई वहाँ पर, भरत भाई का भी, दोनों इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से आगे की ओर। फाइनली 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 जिस वक्त का था हमें इंतज़ार वो आ गया है। ये देखिए पूरा मस्त माहौल एकदम, भाई साहब क्या मतलब होल टाइप बना रखा है पूरा का पूरा एकदम फाड़ एकदम बोले तो गजब। जस्ट मेरे सामने आप देख रहे हैं पीछे, ये है किन्नौर का बहुत फेमस गेट, और भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि मुझे नहीं लग रहा फ़ोटो वोटो का लेने का कुछ चांस है। बाकी एक बार आपको पास से दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये वो फेमस गेट है, क्या ही विशाल है, और यहाँ इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह चल रही हैं, और इतना बिजी ट्रैफिक है, मतलब कार्स वगैरह ये सब आए जा रही हैं। सो इधर है हमारी बाइक्स वगैरह। फोटोशूट्स वगैरह सब करके निकल चुके हैं वहाँ से, और अगर आपको ये सारी रील्स और सारी पोस्ट फोटोज़ वगैरह सब देखनी है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, जाकर इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे से रिलेटेड, हर राइड से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाना है। सो चलते हैं अभी आगे की ओर, काफ़ी वक्त लग गया हमें यहाँ पर फ़ोटो वीडियोज़ में, रील्स में, तो अब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। वो मंजिल क्या होने वाली है वो बने रहिए मेरे साथ में, जैसे हम अपन लोग वहाँ पर पहुँचते हैं डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। सो भरत भाई, राजीव भाई और जगत भाई निकल गए आगे, मुझे यहाँ रोक लिया गया है। वो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस का, तो आगे कुछ पहाड़ वहाड़ का कुछ काम चल रहा है, पीछे जितनी भी गाड़ी आ रही है सबके सबको रोका जा रहा है यहाँ पर, और ये जो पुलिस वाले भैया आ रहे हैं इन्होंने रोका है। शायद आधा घंटा एक घंटा कुछ लगेगा, उसके बाद शायद जाने देंगे, पहाड़ वहाड़ का काम ख़त्म हो चुका हो उसके बाद ही हम लोग निकल पाएंगे। तो वेट करने के अलावा कोई चारा है नहीं इन हसीन वादियों के बीच में। वादियाँ देख लो कितनी मस्त है, कितनी प्यारी है, और इधर है हमारी ऑप्टिमस प्राइम धुआंधार परफॉर्मेंस देते हुए, एक बार देख लो पूरा एकदम मस्त लग रही है। बाकी सारे बाइकर्स वगैरह सबको यहाँ पर रोक दिया गया है, ये देखो सबको लाइनअप लगा रहे हैं। फाइनली जो ऊपर की साइड से यहाँ पहाड़ वगैरह सब कट रहे हैं, और ये नीचे की तरफ आप यहाँ देख रहे हैं जो रास्ते में ये रोड पूरा जो है पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ से ये देखिए बैरिकेडिंग वगैरह सब टूट चुकी है, और यहाँ पर ये सारा का सारा देखो पूरा रोड पे मिट्टी पत्थर रेती सब पड़ा हुआ है, मतलब जाने का रास्ता है ही नहीं अभी बिल्कुल। बोल रहे हैं भी आधा एक घंटा लगेगा, पर मुझे लगता नहीं आधा एक घंटा लगेगा, बल्कि ज़्यादा ही टाइम लगेगा। अब जैसे ही फ्री होते हैं यहाँ से उसके बाद निकलते हैं। अपने छोटे छोटे कदमों से ऊपर चढ़ते हुए बारीक बारीक कदम से क्या हुआ था वहाँ पे पहाड़ वहाड़ काटने लग गए तुम्हें रोक दिया मयंक भाई भी चावल खाते हैं देखो पीछे देखो भरत भाई दिख रहे हैं तब से खाने लग रहे हैं अरे गरीब लिया ये रे दो प्लेट खा चुके हैं अब तीसरी मयंक भाई के लिए मंगाई है उसमें से भी आधी खा लिया ये तीसरी प्लेट चल रही है इनकी तीसरी प्लेट हाँ
चलो। सो भाई थोड़ा सा खा लिया है और राजमा चावल आ चुके हैं, टेस्ट भी कर लिए, ऑसम टेस्ट। इधर है कड़ी, इधर है चटनी, इधर है सलाद। तो जस्ट फटाफट ख़त्म करते हैं और निकलते हैं, शायद आज हम लोग चितकुल रुकेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। माउंटेन पीक्स, ये देखिए वहीं जाना है हमें, वहीं जाना है। और देखो हम अभी कितनी दूर है वहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर है। ये रहे सारे पीछे राइडर्स, इधर की साइड में राइडर्स जाते हुए। और ये देखिए पीछे, बस हम भी फटाफट चलते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं हम करचम डैम पर, और ये वर्ल्ड फेमस करचम डैम है। यहाँ पर बहुत सारा पानी रोककर बहुत सारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ से रह गया है चितकुल 42 किलोमीटर। बाकी इसके अलावा नज़ारा आपको एक बार आगे से भी दिखाता हूँ, जहाँ पर पानी का स्टोरेज है, यहाँ पर जहाँ पर पानी को रोक के रखा गया है, वो इससे थोड़ा सा और आगे जाकर है। सो फटाफट से चलते हैं और दिखाता हूँ आपको जहाँ पर पानी का स्टोरेज है या रोक कर रखा हुआ है। तो ये जस्ट आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर ये पानी पूरा स्टोर करके रखा हुआ, पूरा रोक कर रखा हुआ है, और अपने अकॉर्डिंगली टाइम टू सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली इस पानी को जो है वो धीरे धीरे करके छोड़ा जाता होगा। फटाफट से चलते हैं अपनी जर्नी की ओर, जो कि है चितकुल। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा करचम डैम का एकदम क्लियर व्यू, कैसे किस टाइप से यहाँ कर देखिए पूरा पानी को रोक कर रखा हुआ है, और पानी का जो कलर है वो भी थोड़ा अलग ही है, आई थिंक ग्रीनिश थोड़ा सा तरीके में है। और बस फटाफट से चलते हैं अभी आगे की ओर। हाँ लग रहा है सामने जाम, ये पता नहीं किस चीज़ का, और यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा जाम है, और हमने इतनी दूर से भाप लिया और हम जो है वो खड़े हैं यहाँ इतने दूर। इधर से हैं अपनी सारी बाइक्स वगैरह, तो ठीक है वादी के नज़ारे थोड़ी देर देखते हैं कि शायद कुछ जाम वगैरह लगा हुआ है, वो सब क्लियर होता है तब निकलते हैं। बाकी नज़ारे देखो यार एक नंबर, और देखो जमीन से हम कितने ऊपर हैं, यहाँ काफ़ी हाइट पर है, अभी और हाइट पर जाना है, और वहाँ सामने दिख रहा है हमें माउंटेन पीक्स विद स्नो। ये यहाँ कीचड़ में लाने की क्या जरूरत थी, ये क्या फन था यार, साला पूरा रोड ही पावर थी। ये प्रधान साला सारा पैसा खुद खा रहा है, रोड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बालों में डाई लगा के साला रोड ही बवासीर हो गया है। चलो 30 किलोमीटर अभी भी यहाँ से चितकुल। भाई साहब ने जानबूझ के फंसा दी ऑफ रोडिंग के लिए, तो फटाफट निकलते हैं हम भी। वेलकम टू टुक्पा वैली, TUKPA टुक्पा वैली। पेट्रोल यहाँ भी है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट ही कम हुए हैं। वाओ क्या नज़ारा नीचे यार, नदियाँ बहते हुए बिल्कुल नेचर के बीच में, नेचर की गोद में, क्या फील है।
मजा आ गया भाई साहब। सामने क्या है ये ग्लेशियर? ओ भाई साहब ग्लेशियर है, ऊपर से आ रहा है नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। अल्टीमेट नज़ारा भाई, पूरा रोमांच से भरा पड़ा ये स्थिति। तो वो नीचे कैसे पहाड़ टूटे हुए हैं भाई साहब, गजब। ग्राम पंचायत चितकुल में आपका हार्दिक स्वागत होता है। अब कटे जानो है नहीं पता, हमारे सरपंच साहब पीछे हैं, आगे आगे। सरपंच साहब किधर जाना है? फाइनली पहुंच गए हम लोग यहां पर चितकुल, और जिसकी जो इंडिया का लास्ट विलेज है, एल्टीट्यूड है 11,300 फीट। और वेलकम टू द चितकुल गाइस। काफी ठंडा है, काफी ठंडा है, अभी वो ठंडा होगा। अभी तो हम लोग पहुंचे, अभी विल बी हियर फॉर द नाइन के इनके हॉट टाइट होने वाले। अभी हम तो लद्दाख वगैरह पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो हमें पता है क्या होने वाला है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बेसिकली कहाँ से आप लोग? दिल्ली। मैं दिल्ली से। बेंगलोर? दोनों बेंगलोर? नहीं मैं बेंगलोर, ये वडोदरा। वडोदरा। आप दोनों दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? साउथ दिल्ली। ये साउथ दिल्ली वाला काट दूंगा। तो फोटोशूट हो चुका है, सब लोग राइडर्स वगैरह सब गियर अप हो चुके हैं और निकलने की है पूरी तैयारी यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छा लगा। अभी जस्ट 11,320 फीट यानी 11,320 की ऊंचाई पर है अभी हम, और जस्ट अगर इसके बराबर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चितकुल। ये कोई एक्टर है, मैं नाम भूल गया उनका, और इनका शायद मैंने ये वाला ब्लॉग देखा हुआ भी है। सो ठीक है, हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर, दूरी 100 मीटर है। तो ठीक है, चलते हैं अपना सीधा, सर्च करते हैं अपना लोकेशन, कैंपिंग लोकेशन। मतलब कैंप हम लाए नहीं है, आज कैंप का हम फील लेंगे। सो ढूंढते हैं जाके कैंप मिलता है क्या मिलता है। बाकी सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, नहाने का तो यहाँ सीन बनता नहीं है, मुंह धो ले हम यही बहुत बड़ी बात है। फटाफट तोड़ो 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 ये बच्चे मन के सच्चे। क्या शिव ढलान है, कैंपिंग लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं। आपको जस्ट मेरे पीछे कैंपिंग लोकेशन दिख रही होगी, और इस वाले फुटेज से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। नीतीश बाबू देखो, तुम कहते हो कि मैं अपने आप को नहीं दिखाता हूँ, देखो अभी मैं अपने आप को भी दिखा रहा हूँ कैमरे में। भाई व्यूअर्स हो तो व्यूअर्स की तो माननी पड़ेगी, सब्सक्राइबर हो माननी पड़ेगी आपकी। बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ दिखाने के लिए इस बार ये वाला शूट ले रहा हूँ। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी सबसे चीज़ देखने से पहले, वो समा देखने से पहले एक बार यहाँ का नज़ारा देख लो, क्या ही अल्टीमेट नज़ारा है। और इधर सामने कैंप के उस साइड नदी बह रही है, अभी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चाइना बॉर्डर मात्र 70 किलोमीटर है बस। कितना अच्छा होता अगर चाइना भी हिंदुस्तान में होता, बाइक लेके कूद जाते हम तो चाइना में। सो कोई बात नहीं, और इधर से दिखा रहा, और इधर की साइड जो ये वाला माइलस्टोन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस इधर लिखा हुआ है स्पीति 250 किलोमीटर। मतलब कि अभी भी हम स्पीति में नहीं है, इतना चलने के बाद में भी। तो बेसिकली अभी हम चितकुल में हैं, तो जस्ट अभी जगत भाई और राजीव भाई गए हैं उधर कैंप का थोड़ा रेट वेट पता करने। बाबू हार्ट टाइटर, तो थोड़ा सा बजट का भी हिसाब किताब देख के चलना पड़ता है। इधर है हमारे भरत भाई, और इधर खड़ी है हमारी ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम के भी घोड़े खुले पड़े इस टाइम, पर भाई साथ दे रही है, यही चाहिए एक राइडर्स को, और क्या चाहिए। और इधर सामने पता नहीं आपको गोप्रो में दिखेगा नहीं दिखेगा, उधर सामने बह रही है नदी। अभी एक बार कैंप फाइनल हो जाए तब एक बार आपको उधर का शूट लेके दिखाऊंगा, और ड्रोन का देखता हूँ यार, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। पता नहीं है ड्रोन प्रोहिबिटेड है यहाँ पर या कि नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, पता नहीं ड्रोन एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
ट्राई करके देखो। ओए किसकी खाल है ये? अरे वहाँ क्यों डाल रहा है? पता नहीं किसकी खाल है। यही जलेगी रात को। आप मेरे देख रहे हैं, ये है हमारा कैंप और इधर खड़ी है हमारी बाइकें। कैंप हो चुका है फाइनल मात्र 2000 रुपये में। और एक छोटी सी कोशिश थी मेरी एक ड्रोन शॉट दिखाने की आपको, आई होप कि आपको पसंद आएंगे। बाकी अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर वो कौन सी नदी है, ये है ये पता नहीं नदी है पीछे, मतलब पता नहीं, मतलब हमें पता नहीं है कौन सी नदी है पीछे, लेकिन नदी का बहाव बहुत अल्टीमेट है, बहुत ही अद्भुत है। बाकी एक बार पास तो नहीं जाऊँगा मैं, यहीं से दिखा देता हूँ आपको। बहुत तेज बहाव है, ये देखो बहुत तेज बहाव है। पास तो नहीं जा पाऊँगा, अल्टीमेट कैंप मिल गया फाइनल, रेस्ट की जगह मिल गई। बाकी अभी जस्ट गियर वगैरह लोड करते हैं और बस थोड़ा रिलैक्स मोड में आते हैं। अब क्या ही बचा है यहाँ, मतलब आपको यहाँ पर कैंपिंग में खाना पीना यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, गर्म पानी वगैरह सब मिल जाएगा, उसका आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं देना है। तो जस्ट इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखते हैं कल क्या कहाँ का प्लान बनता है, कल की हमारी क्या डेस्टिनेशन होने वाली है। तो मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े लेते रहिए मेरी तरह। टेल देन टेक केयर, बाय बाय, राइड हार्ट, राइड सेफ, बाय बाय।